धीरेन्द्र शास्त्री ने कही ये बड़ी बात। खुश हो गए देवकी नंदन के भक्त। मध्य प्रदेश के भोपाल में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर श्री मद भागवत कथा चल रही थी। कथा के समापन के दौरान शनिवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी यहां पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दोनों संतों पर फूल बरसाए और जयकारे लगाए। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुलाकात के दौरान नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल के लोग राम को छिपाकर खुद छप जाते हैं। वहीं देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि राम की तरह कृष्ण को आजाद कराएंगे। कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने विश्व के कृष्ण भक्तों से मथुरा आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की। जानिए किस स्तर पर होगा मथुरा आंदोलन। आपको बता दें कि राजधानी में दो अंतर्राष्ट्रीय संतों के मिलना बड़ी बात है। ऐसे में देखना यह होगा कि देवकी नंदन ठाकुर महाराज का मथुरा के लिए आगामी आंदोलन किस स्तर पर होगा। क्या यह वाकई मुगलों पर आक्रमणकारियों द्वारा हड़पे गए पुरातन धार्मिक स्थलों की मुक्ति में मील का पत्थर स्थापित होगा, या यह सिर्फ 5 राज्यों में इस साल होने वाले चुनावों और अगले साल होने वाले आम चुनावों के पहले माहौल बनाने की कोई रणनीति बनकर रह जाएगा। जानिए क्या बोले धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मथुरा में होने वाले कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन का सपोर्ट करते हुए कहा कि सभी सनातनी देवकी नंदन जी के मथुरा आंदोलन में हिस्सा लें। जो साथ देंगे उनका स्वागत, जो साथ ना देंगे उनकी ठठरी। जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा कि आजकल के लोग राम को छिपाकर खुद छप जाते हैं। सच्चा भक्त वो जो राम को छपवाकर खुद छप जाए।